हेलो स्टूडेंट, तो आज हम हिंदी का पार्ट 4 शुरू करेंगे। पार्ट 3 आपकी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं किया है तो आप कंप्लीट कर लें अपना वर्क, क्योंकि कभी भी आपकी नोटबुक स्कूल में चेक करने के लिए मंगवाई जा सकती है। तो आप अपना वर्क सुंदर सुंदर राइटिंग में कंप्लीट रखें। अगर सुंदर राइटिंग में वर्क नहीं हुआ तो हो सकता है वो चैप्टर आपको वापस से करने के लिए दे दिया जाए। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते हुए सुंदर सुंदर राइटिंग में अपना वर्क कंप्लीट रखें। आज हम पार्ट 4 शुरू करेंगे। पार्ट 4 हिंदी फर्स्ट में, जिसका नाम है सर्वोत्तम औषधि हंसी। तो इस पार्ट के माध्यम से यह बताया गया है कि हमारी जो हंसी है वो सबसे बढ़िया औषधि है, सबसे बढ़िया। तो हंसना जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए हमें दिन में कम से कम एक बार तो खिलखिलाकर हंसना चाहिए, मतलब ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंसना चाहिए। जब हम हंसते हैं तो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है ना, वो बहुत ही खुशनुमा बन जाता है। और ये वातावरण क्या करता है, आपको तो आनंदित करता ही है, दूसरों को भी बहुत सारी खुशी देता है, बहुत सारा आनंद देता है। इसीलिए ये जो आनंद होता है ना, उसका सीधा संबंध क्या होता है, आत्मा से होता है। आप देखिए, जो इंसान, जिस इंसान से मिलने के बाद आप हंसते रहते हैं, तो उससे मिलने का आपको बार बार मिलने का मन करता है ना। तो क्या होता है कि इसीलिए ये जो आनंद होता है ना, ये जो खुशी होती है, इसका संबंध क्या होता है, सीधा हमारी आत्मा से होता है। तो हंसी सिर्फ और सिर्फ शारीरिक सुख नहीं देती है, फिजिकली सुख नहीं देती है, बल्कि ये क्या करती है, आत्मा को भी क्या करती है, बहुत ही आनंद से भर देती है। तो इसीलिए हंसते रहना चाहिए और दूसरों को भी हंसाते रहना चाहिए। हंसने से जो है वो बीमारियां अपने आप कम होती है और हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहता है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा मन भी स्वस्थ रहता है, और तो और पाचन शक्ति भी बढ़ती है। और हंसी क्या है, एक बहुत ही शक्तिशाली दवा है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, जो हंसी है वो जीवन की एक मीठी मदिरा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ, फिर हम चैप्टर देखेंगे इसमें क्या बताया है। और तो कठिन शब्दार्थ में आ जाइए। पहला है खींचना। खींचना का क्या अर्थ होता है, चिढ़ना। खींचना का अर्थ होता है चिढ़ना। फिर है विलायती। विलायती का अर्थ विदेशी। फिर है ढहा देना। ढहा देना मतलब गिरा देना। फिर है आंतरिक। आंतरिक मतलब अंदर से। फिर है स्तुति। स्तुति का अर्थ क्या होता है, प्रार्थना। फिर है कंगाली। कंगाली का क्या अर्थ है, दरिद्रता। फिर हम आते हैं दरकार पे। दरकार, दरकार का अर्थ क्या है, आवश्यकता। और लास्ट है प्रफुल्लित। प्रफुल्लित का अर्थ होता है खिलना। तो ये आपके शब्दार्थ हैं और ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं पाठ, कि आपके बुक में इस पाठ में क्या आया है।